हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय फोर्थ वीडियो। ये मेरा चौथा वीडियो है सेंटेंस फॉर्मेशन पे। इसमें हम परफेक्ट टाइप सेंटेंसेस सीखेंगे, जिसमें हैज, हैव, हैड, विल, शैल, हैव लगता है और क्रिया का हमेशा तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ईटन, ड्रंक, गॉन, रिटन, ये वाले फॉर्म लगते हैं। तो कम ऑन, लेट्स स्टडी। चलिए अब हम परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। परफेक्ट टेंस यानी कि क्रिया समाप्त हो चुकी है, अभी अभी समाप्त हुई है, या क्रिया समाप्त हो चुकी थी, या फिर क्रिया समाप्त हो चुकी होगी। प्रेजेंट टेंस में हम हैज और हैव लगाते हैं और क्रिया का तीसरा रूप यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। हैज कब लगाना है, हैव कब लगाना है, ये डिटेल में जानने के लिए आप मेरा हैज, हैव और हैड का वीडियो देखिए। पास्ट टेंस में हम हैड लगाते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर टेंस में हम विल, शैल के साथ हैव लगाते हैं, यहाँ हैज नहीं लगता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। तो सेंटेंसेस देखते हैं। आई हैव ईटन चॉकलेट, आई हैड ईटन चॉकलेट, आई विल हैव ईटन चॉकलेट, शी हैज संग सॉन्ग, शी हैड संग सॉन्ग, She will have sung song. He has drunk milk. He had drunk milk. He will have drunk milk. They have read book. They had read book. They will have read book. आइए sentences का meaning देखते हैं। I have eaten chocolate, मैंने चॉकलेट खा लिया है, क्रिया समाप्त हो चुकी है। I had eaten chocolate, मैंने चॉकलेट खा लिया था, क्रिया समाप्त हो चुकी थी। I will have eaten chocolate, मैंने चॉकलेट खा लिया होगा, क्रिया समाप्त हो चुकी होगी। She has sung song, उसने गाना गा लिया है। She had sung song, उसने गाना गा लिया था। She will have sung song, उसने गाना गा लिया होगा। He has drunk milk, उसने दूध पी लिया है। He had drunk milk, उसने दूध पी लिया था। He will have drunk milk, उसने दूध पी लिया होगा। They have read book, उन्होंने किताब पढ़ ली है। They had read book, उन्होंने किताब पढ़ ली थी। They will have read book, उन्होंने किताब पढ़ ली होगी। अब हम सीखते हैं has और have का question रूप, question type one, जिसका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं। यहाँ पे has, have, had जो है सब्जेक्ट से पहले चला जाता है और क्वेश्चन टाइप वन बन जाता है। देखिए, हैव आई ईटन चॉकलेट, क्या मैंने चॉकलेट खा लिया है। हैड आई ईटन चॉकलेट, क्या मैंने चॉकलेट खा लिया था। विल आई हैव ईटन चॉकलेट, क्या मैंने चॉकलेट खा लिया होगा। हैज ही ड्रंक मिल्क, क्या उसने दूध पी लिया है। Had she drunk milk, क्या उसने दूध पी लिया था। Will he have drunk milk, क्या उसने दूध पी लिया होगा। Have they read the book, क्या उन्होंने किताब पढ़ ली है। Had they read the book, क्या उन्होंने किताब पढ़ ली थी। Will they have read the book, क्या उन्होंने किताब पढ़ ली होगी।
है सी संग सॉन्ग, क्या उसने गाना गा लिया है? हैड सी संग सॉन्ग, क्या उसने गाना गा लिया था? विल शी हैव संग सॉन्ग, क्या उसने गाना गा लिया होगा? फिर हमारे डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब और हाउ, कैसे। अब हम सीखते हैं डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन के उपयोग। ये क्वेश्चन टाइप वन के आगे लगते हैं, यानी कि हैज और हैव के आगे ये लगेंगे। वेयर हैव आई ईटन चॉकलेट, मैंने चॉकलेट कहाँ खाया है? वेयर हैड आई ईटन चॉकलेट, मैंने चॉकलेट कहाँ खाया था? वेयर विल आई हैव ईटन चॉकलेट, मैंने चॉकलेट कहाँ खाया होगा? वाई हैज शी संग सॉन्ग, उसने गाना क्यों गाया है? Why had she sung song? उसने गाना क्यों गाया था? Why will she have sung song? उसने गाना क्यों गा लिया होगा? Where have they read the book? उन्होंने किताब कहाँ पढ़ी है? Where had they read the book? उन्होंने किताब कहाँ पढ़ी थी? Where will they have read the book? उन्होंने किताब कहाँ पढ़ ली होगी? When has he drunk milk? उसने दूध कब पिया है? When had he drunk milk? उसने दूध कब पिया था? When will he have drunk milk? उसने दूध कब पी लिया होगा? जब हमें नकारात्मक सेंटेंसेस यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, तो प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज की जगह हम लोग हैव नॉट या हैवेंट का उपयोग करते हैं, हैज नॉट या हैजेंट का उपयोग करते हैं। पास्ट टेंस में हैड की जगह हम लोग हैड नॉट या हैडेंट का उपयोग करते हैं, और फ्यूचर टेंस में विल शैल की जगह हम लोग विल नॉट हैव, वोंट हैव, शैल नॉट हैव, शैंट हैव का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने सीखते हैं। आई हैव नॉट ईटन चॉकलेट, मैंने चॉकलेट नहीं खाया है। आई हैड नॉट ईटन चॉकलेट, मैंने चॉकलेट नहीं खाया था। आई विल नॉट हैव ईटन चॉकलेट, मैंने चॉकलेट नहीं खा लिया होगा। शी हैज नॉट संग सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया है। शी हैड नॉट संग सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया था। She will not have sung song, उसने गाना नहीं गा लिया होगा। They haven't read the book, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है। They hadn't read the book, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी थी। They won't have read the book, उन्होंने किताब नहीं पढ़ ली होगी। He has not drunk milk, उसने दूध नहीं पिया है। He had not drunk milk, उसने दूध नहीं पिया था। He will not have drunk milk, उसने दूध नहीं पी लिया होगा। आइए अब हम इन्हीं सेंटेंसेस का क्वेश्चन टाइप वन बनाना सीखते हैं नेगेटिव फॉर्म में। Have I not eaten chocolate? क्या मैंने चॉकलेट नहीं खा लिया है? Had I not eaten chocolate? क्या मैंने चॉकलेट नहीं खा लिया था? Will I have not eaten chocolate? क्या मैंने चॉकलेट नहीं खा लिया होगा? Has she not sung song? क्या उसने गाना नहीं गा लिया है? Had she not sung song? क्या उसने गाना नहीं गा लिया था? Will she not have sung song? क्या उसने गाना नहीं गा लिया होगा? Haven't they read the book? क्या उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है? Hadn't they read the book? क्या उन्होंने किताब नहीं पढ़ी थी? Won't they have read the book? क्या उन्होंने किताब नहीं पढ़ ली होगी? Has she not drunk milk? क्या उसने दूध नहीं पिया है? Had he not drunk milk? क्या उसने दूध नहीं पिया था?
विल ही नॉट हैव ड्रंक मिल्क, क्या उसने दूध नहीं पी लिया होगा? अब हमारे चार डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, वाई, क्यों, वेर, कहां, व्हेन, कब और हाउ, कैसे। अब हम सीखते हैं कि डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन को नेगेटिव में कैसे यूज किया जाता है। वेर हैवेंट आई ईटन चॉकलेट, मैंने चॉकलेट कहाँ नहीं खाया है। वेर हैडेंट आई ईटन चॉकलेट, मैंने चॉकलेट कहाँ नहीं खाया था। वेर वोंट आई हैव ईटन चॉकलेट, मैंने चॉकलेट कहाँ नहीं खा लिया होगा। वाई हैड सी नॉट संग सॉन्ग, उसने गाना क्यों नहीं गाया है। वाई हैड सी नॉट संग सॉन्ग, उसने गाना क्यों नहीं गाया था। Why will she have not sung song? उसने गाना क्यों नहीं गा लिया होगा। Where have they not read the book? उन्होंने किताब कहाँ नहीं पढ़ी है। Where had they not read the book? उन्होंने किताब कहाँ नहीं पढ़ी थी। Where will they have not read the book? उन्होंने किताब कहाँ नहीं पढ़ ली होगी। When hasn't he drunk milk? उसने दूध कब नहीं पिया है। When hadn't he drunk milk? उसने दूध कब नहीं पिया था। When won't he have drunk milk? उसने दूध कब नहीं पी लिया होगा। अब सीखते हैं which और whose type के questions। इसमें object जो है वो तुरंत which के बाद या whose के बाद आ जाता है। Which food have you cooked? आपने कौन सा खाना बनाया है। Whose food Have you cooked? आपने किसका खाना बनाया है। Past tense में had लगता है। Which book have they bought? उन्होंने कौन सी किताब खरीदी है। Whose book had they bought? उन्होंने किसकी किताब खरीदी है। Future tense में which car will she have driven? उसने कौन सी कार चला ली होगी। Whose car will she have driven? उसने किसकी कार चला ली होगी। दोस्तों ये थे हमारे परफेक्ट टेंस टाइप सेंटेंसेस। नॉर्मल इंग्लिश बोलने के लिए सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस के ये तीन रूप ही काफी है, क्योंकि जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइप सेंटेंसेस बोलते हैं तो बहुत सारे लोग उनको कंटिन्यूअस टेंस के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। तो पहले आप इतने से ही अंग्रेजी सीखिए, जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होगी तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइप के सेंटेंसेस भी सिखाए जाएंगे। फिलहाल हम यहीं तक सीखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और मेरा कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, और वादा कीजिए कि आप मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।